सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ बदसलूकी की है। फेसबुक पोस्ट में वीडियो के साथ लोगों ने लिखा है, खुलेआम बेइज्जती, अहंकार की पराकाष्ठा और अपने बुजुर्ग नेता को पीछे भेज रहे हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि मंच पर बैठे अमित शाह बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक लालकृष्ण आडवाणी को पहली पंक्ति से उठकर पीछे की ओर जाने का इशारा करते हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि शिष्य गुरु के आगे हाथ भी नहीं जोड़ता, शिष्य यानी नरेंद्र मोदी और गुरु यानी लालकृष्ण आडवाणी। इस स्टेज से उठाकर फेंक दिया गया गुरु को, जूता मारकर आडवाणी जी को उतारा स्टेज से। इसके बाद हमने पाया कि राहुल गांधी की इसी टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर होना शुरू हो गया। यह बात सही है कि साल 1991 में गुजरात के गांधीनगर से सांसद रहे आडवाणी को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और उनकी जगह पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी ने इस बार 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टिकट नहीं देने का निर्णय किया है, इसलिए गांधीनगर से आडवाणी की जगह पार्टी अमित शाह को चुनावी मैदान में उतार रही है। लेकिन ट्विटर और फेसबुक पर सैकड़ों बार शेयर किया जा चुके 23 सेकेंड के इस वीडियो के साथ यह दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने टिकट काटने के बाद लालकृष्ण आडवाणी के साथ बदसलूकी की। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि ये दावा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भ्रामक है और इस वीडियो को एडिट किया गया है। हमने पाया कि वीडियो को एक भ्रामक संदर्भ देने के लिए इसे एडिट करके छोटा किया गया है। हम आपको बता दें कि यह 9 अगस्त 2014 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का वीडियो है। इस बैठक की करीब 1.5 घंटा लंबी फुटेज देखने से साफ हो जाता है कि अमित शाह के बताने पर लालकृष्ण आडवाणी अगली पंक्ति से उठकर मंच पर पीछे की तरफ बने पोडियम पर अपना भाषण देने गए थे। ओरिजिनल वीडियो में अमित शाह लालकृष्ण आडवाणी की कुर्सी पर बैठे हुए ही सभा को संबोधित करने का प्रस्ताव भी देते हुए दिखाई पड़ते हैं, मगर आडवाणी पोडियम पर खड़े होकर भाषण देने का चुनाव करते हैं। जिस वक्त ये सब होता है उस समय अमित शाह के बगल में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो में कुछ कागजात पढ़ते दिखाई देते हैं, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है उसमें सिर्फ अमित शाह के पोडियम की ओर इशारा करने और लालकृष्ण आडवाणी की कुर्सी से उठकर जाने वाला हिस्सा ही दिखाई देता है। करीब 1.5 घंटे के इस कार्यक्रम में अपना भाषण खत्म करने के बाद भी लालकृष्ण आडवाणी अध्यक्ष अमित शाह के साथ वाली सीट पर ही बैठे हुए थे। इस तरह से पूरे वीडियो देखने के बाद ये समझ में आता है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी की बेइज्जती की गई है अमित शाह के द्वारा, वो पूरी तरह से गलत है। इसलिए जो एडिटेड वीडियो है या जो फर्जी वीडियो है उसे शेयर ना करें। हम आपको बता दें कि इस वीडियो को शेयर करके आप लोगों की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें।